हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया था, जिसमें हमने फिश प्रोडक्शन को स्टार्ट किया था, उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। यानी फिश प्रोडक्शन लेक्चर का ये सेकंड पार्ट है। इस लेक्चर के अंदर हम क्या बताएंगे कि देखिए, हमने लास्ट टाइम जब आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तब हमने आपको बताया था कि फिश प्रोडक्शन की जो टाइप्स है हमारे पास, उसमें डिफरेंट बेसिस हैं, यानी सोर्स के बेस के ऊपर टाइप ऑफ कल्चर कैप्चर, इस तरीके से हमने बहुत सारी टाइप्स के बारे में बताया था फिश कल्टीवेशन पे बेस के ऊपर। तो हमारे पास आज अभी जो इस लेक्चर के अंदर प्रेजेंट है, उस लेक्चर में हम किस चीज के बारे में बताएंगे भाई, यहां से हम बताते हैं कि फिश की जो फिशरी की जो टाइप है, मतलब स्पेशली वाटर बॉडी के बेस के ऊपर या रिसोर्स के बेस के ऊपर हम बात करते हैं, तो तीन टाइप की मेन हमारे पास है। सबसे पहले हमारे पास जो फिशरी है उसको हम मैराइन फिशरी के नाम से बोलते हैं। मैराइन फिशरी, अब देखिए मैराइन फिशरी जो टाइप हमारे पास प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होता है? मैराइन फिशरी का मतलब होता है, मतलब टाइप ऑफ फिशरी विच अकर इन साल्टी वॉटर। साल्टी वॉटर, और साल्टी वाटर मतलब सेलाइन वाटर भी बोल सकते हैं, सेलाइन वाटर भी बोल सकते हैं, जिसकी जिसके अंदर साल्ट कंटेंट ज्यादा है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, तो वर्ल्ड के केस में अगर हम बात करते हैं, तो यू नो कि 71% पार्ट पर अर्थ की सरफेस के ऊपर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है ना। 29% जो पार्ट है उस पर लैंड प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि 71% वाटर प्रेजेंट है, जो किसकी फॉर्म में है भाई, या तो किसी सी की फॉर्म में है, या किसी ओशियन की फॉर्म में है, या तो भाई वो किसी सी की फॉर्म में है या किसी ओशियन की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये जो वाटर प्रेजेंट है, इस वाटर के अंदर जो फिशरी हम करते हैं, फिश प्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म हम परफॉर्म करते हैं, उसको हम किसके नाम से बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द मैराइन कल्चर। उसको हम किसके नाम से बोलते हैं? मैराइन कल्चर के नाम से बोलते हैं। अब देखिए, इंडिया के अंदर मैराइन कल्चर बहुत ज्यादा है। क्यों है भाई? क्योंकि इंडिया का जो ये रीजन है, हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये टोटली जो रीजन है, इसको हम कोस्टल रीजन के नाम से बोलते हैं। और इंडिया का अगर कोस्टल रीजन की बात करते हैं, तो 7516.6 किलोमीटर, यानी इतना ज्यादा, मतलब 7516.6 किलोमीटर एरिया जो है इंडिया का, वो सी से लगता है। तो इसका मतलब मैराइन कल्चर इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा होगा। अब मैराइन कल्चर की बात करते हैं, तो मैराइन कल्चर को कौन रेगुलेट करता है भाई? देखिए, मैराइन कल्चर को कौन रेगुलेट करता है? CMRI करता है, ठीक है ना। कौन कंट्रोल करता है भाई? CMFRI, ठीक है ना। ये जो बॉडी है, ये कंट्रोल करती है। इसका मतलब क्या होता है? सेंट्रल मैराइन फिशरी रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट जो है वो इसको कंट्रोल करता है। वो स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं, तो ये इंस्टीट्यूट जो हमारे पास यहाँ पर, जो ये कोस्टल रीजन है, इस कोस्टल रीजन में इसके बहुत सारे सेंटर हैं, जैसे एर्नाकुलम है, कोची की बात हम कर सकते हैं, केरला में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये सब चीजें प्रेजेंट है। अब देखिए, इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो 12 टाइप की, मतलब स्पेशली 12 टाइप की जो मैराइन फिशेज है, ठीक है, इनको कल्चर या कैप्चर किया जाता है। किसमें? कल्चर भी और कैप्चर भी, दोनों कंडीशंस इसमें इंक्लूड है भाई। ऐसा नहीं कि मैराइन के केस में, लेकिन मोस्टली केस में मैराइन में क्या चीज है भाई? कैप्चर फिशरी है, क्योंकि सी जो होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, और उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचुरल रिसोर्स के बेस के ऊपर ही फिशेज को कैप्चर किया जाता है। और कल्चर की बात करते हैं, तो बहुत ही कम परसेंट में मैराइन फॉर्म्स के अंदर फिशेज को कल्चर किया जाता है, समझ गए ना। तो कैप्चर ज्यादा किया जाता है, कल्चर कम किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये टाइप्स है। अब देखिए, हमारे पास जो इसके एग्जांपल की बात करें भाई स्पेशली जो हमने कहा कि 12 टाइप की फिशेज प्रेजेंट होती हैं इंडिया के अंदर मैराइन कल्चर में, 12 टाइप की जो फिशेज प्रेजेंट है, उसमें कौन कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है अगर हम बात करते हैं, तो देखिए, पॉम्पेरेट है, मैकरल्स है, टूना, सार्डिना, बॉम्बे डक, ईल, हिल्सा, सैल्मोन, रिबन फिश, फ्लैट फिश, सोल जिसको बोलते हैं, जिसको हम नेक्स्ट स्टीर, और फ्लाइंग फिश। ये सभी फिशेज जो हैं,
इंडिया के अंदर स्पेसिफिक कंडीशन के बेस के ऊपर, मतलब अगर हम फिशरी की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो ये सब टाइप की जो फिशरी है इसको स्पेसिफिक शिप की सहायता से, जिसको वेसल के नाम से बोलते हैं, फिश वेसल्स के नाम से बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पेसिफिक नाम दैट इज कॉल्ड द फिशिंग ट्रेवलर, जिसको किसके नाम से बोलते हैं भाई, फिशिंग ट्रेवलर के नाम से बोलते हैं, फिश, ठीक है ना, जो फिश को कैप्चर करता है, मतलब कैप्चर करने वाली जो शिप होती है। अब देखिए ये शिप जो होती है स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी की ये हेल्प लेती है, और मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि किस टेक्नोलॉजी का वो सारा लेती है। सबसे पहले तो इको साउंड जो कंडीशन होती है, इको साउंडर जो डिवाइस होती है, इको साउंडर डिवाइसेज, इको साउंडर। दूसरी चीज क्या चीज है भाई, दूसरी हमारे पास है सैटेलाइट इमेजिंग, ठीक है ना, सैटेलाइट इमेजिंग। तो सबसे पहले इको साउंडर की बात करते हैं, दूसरे सैटेलाइट इमेजिंग की बात करते हैं। तो इको साउंड का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा सोनार, ठीक है ना, हमारे पास डिवाइस होती है सोनार है, रडार है भाई, रडार, ये जो साउंड डिवाइस होती है, ये सबसे पहले सोनार की बात हम करते हैं। तो सोनार का यूज किया जाता है जो शिप के लोअर पार्ट में फिट कर दिया जाता है, और वाटर के अंदर वो सी मतलब फिश सोल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसके बारे में, फिशिज सोल बोलते हैं, सोल, सोल मतलब फिशिज का जो ग्रुप होता है उसको सोल के नाम से बोलते हैं। सैटेलाइट इमेजिंग, ये भी सी के अंदर फिशिज की अवेलेबिलिटी को दर्शाती है, सैटेलाइट इमेजिंग जो है इस चीज में रोल प्ले करती है। तो मतलब कहने का ये है कि इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो मराइन कल्चर है वो बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट वे में फैला हुआ है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ये क्या है भाई, सेंट्रल मराइन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको मैंने आपको बताया इसके सेंटर अलग अलग जगह पर हैं, जैसे एर्नाकुलम के अंदर, कोची के अंदर, केरला के अंदर, तो इस तरीके से हमारे पास है। सेकेंड टाइप की अगर हम फिशरी की बात करते हैं तो सेकेंड टाइप की फिशरी हमारे पास कौन सी फिशरी है भाई, जिसको हम एक तरीके से एक्वा कल्चर के नाम से बोल सकते हैं, ठीक है ना, स्पेशली हम किसके नाम से बोल सकते हैं, हालांकि मैराइन कल्चर भी एक्वा कल्चर ही है, ठीक है। तो सेकंड टाइप हमारे पास यहाँ क्या है भाई, थर्ड सेकंड टाइप है एक्वा कल्चर, ठीक है ना, एक्वा कल्चर। अब ये देखिए एक्वा कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सा वर्ड है कि एक्वा कल्चर वाटर के अंदर कल्टीवेशन करना, किसी भी तरीके की हम किसी भी वाटर बॉडी में फ्लोरा फौना की बात करते हैं तो वो सब इसमें इंक्लूड्स है। अब अगर हम बात करते हैं एक्वा कल्चर फिशरी की, देखिए एक्वा कल्चर में मैंने आपको बताया है कल्टीवेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, कल्टीवेशन ऑफ एक्वेटिक फ्लोरा एंड फोना, ठीक है ना, फोना मतलब आप ये मत मान के चलिए कि सर फ्लोरा कैसे प्लांट कैसे, भाई बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो एक्वा कल्चर में इंक्लूड हैं, लाइक दैट जैसे आपको बात करते हैं हमें एगर जो वीड्स होती है, इस वीड्स की सहायता से हमें एगरोज जेल बनाते हैं, ठीक है। तो वीड्स इस जेल की सहायता से हम इसको कल्चर मीडियम में यूज करते हैं, कल्चर मीडियम के लिए यूज करते हैं, तो मतलब वो भी है। अब फोना की बात अगर हम करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के फोना है भाई, जिसमें फिशेज भी इंक्लूड है, ऐसा मत समझिए कि फिशेज में इंक्लूड नहीं है, आपने मैराइन पढ़ा दिया तो सर ये क्या है भाई। फोना का मतलब है कि हर किसी किस्म की जो एनिमल्स है जो वाटर से रिलेटेड है वो सब इसमें इंक्लूड्स हैं, जिसमें फिशेज भी हैं, ओएस्टर भी हैं, लोबस्टर्स भी हैं, सार्डिना भी हैं, ईल्स भी हैं, मिल्क फिशेज भी हैं, ऑल आर इंक्लूड इन केस एक्वेटिक कल्चर यानी एक्वा कल्चर, अंडरस्टैंड। तो इंडिया के केस में एक्वा कल्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बहुत टाइप की कंडीशन, जैसे हम इसकी बात अगर करते हैं तो इसमें हमारे पास ओएस्टर्स हैं, लोबस्टर्स हैं, ठीक है, क्रैब्स हैं भाई, प्रॉन हैं, प्रॉन्स हैं भाई, सी वीड्स भी हैं,
ठीक है ना, मैंने अभी कहा सी विड सी, ये सी विड सी है जिसमें ग्रेसिलेरिया या गार्सिलेरिया है, कौन सी है भाई, ग्रेसिलेरिया ग्रेसिलेरियम या गार्सिलेरियम, ठीक है ना, ये इसमें इंक्लूड है हमारे पास, जिसको हम एक सी विड्स के नाम से बोल सकते हैं, जिसका यूज हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्वा कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास मेन दो टाइप का एक्वा कल्चर इंक्लूड है भाई, जिसको हम मैरी कल्चर के नाम से भी बोल सकते हैं। एक तो हमारे पास क्या है, मैरी कल्चर, मैरी कल्चर। सेकेंड हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर कल्चर, ठीक है। क्या क्या चीजें है भाई मैरी कल्चर, मैरी कल्चर का मतलब नाम से यहीं से पता चलता है कि मैरी कल्चर का मतलब है मैराइन, मैराइन की बात बताई, और मैराइन हमने आप लोगों को बताई थी कि भाई कैसे खारे पानी के अंदर जो सेलिनिटी के अंदर जो भी फिश कल्चर किया जाता है उसको हम मैराइन कल्चर के नाम से बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, जैसे भाई हम बोल सकते हैं पियर स्पोर्ट्स, पीरल्स आपने सुने होंगे ना, पीरल्स मोती, पीरल स्पॉट है, सार्डिना फिशेज जो है भाई, ईल है, और उसके साथ साथ जैसे मिल्क फिशेज है, मिल्क फिशेज, आप ये मत समझिए कि इससे दूध मिलता है, नो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम इसको मिल्क फिशेज कलर के बेस के ऊपर बोलते हैं। उसके बाद है फ्रेश वाटर कल्चर। अब यू नो कि फ्रेश वाटर कल्चर का मतलब क्या है, फ्रेश वाटर कल्चर का मतलब है कि जैसे हम मैराइन कल्चर की बात करते हैं ऐसे ही हमारे पास फ्रेश वाटर कल्चर भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कश्मीर एंड जम्मू जो भी रीजन प्रेजेंट है हमारे पास, इन रीजन के अंदर क्या होता है कि पहाड़ी इलाका जो प्रेजेंट है उसमें ग्लेशियर मेल्ट होने के कारण लेक बन जाती है, तो वो जो लेक्स हैं उनके अंदर फ्रेश वाटर है। अब उस फ्रेश वाटर के अंदर फिश कल्टीवेशन का काम किया जा सकता है, कल्चर फिशरी वहां पर की जा सकती है, अगर लेक बहुत बड़ी है तो कैप्चर फिशरी भी, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स के बेस के ऊपर वहां पर फिश प्रोडक्शन का वर्क परफॉर्म किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक्वा कल्चर का मेन कंडीशन है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो थर्ड केस हमारे पास क्या है भाई, इनलैंड फिशरीज। यू नो इनलैंड फिशरी में हमारे पास कौन सी कंडीशन इंक्लूड होती है, इनलैंड फिशरी का मतलब होता है कि अब आपको बताते हैं इनलैंड फिशरी का मतलब क्या है। इनलैंड फिशरी, इनलैंड फिशरी का मतलब होता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि 29% हिस्से के ऊपर लैंड प्रेजेंट है, 29% जो पार्ट है भाई वो लैंड है, तो ऐसे में बहुत सारी बॉडीज हैं जिसको हमें रिवर के बेस के ऊपर भी बोल सकते हैं, रिवराइन फिशरी, रिजर्वॉयर फिशरी, लेक फिशरी, इस तरीके से हम बोल सकते हैं अलग अलग नाम से। तो हमारे पास जैसे रिवराइन फिशरी, दूसरी है रिजर्वॉयर फिशरीज, ठीक है, लेक फिशरीज, ठीक है ना, लेक फिशरीज, ठीक है। उसके साथ साथ भाई और भी कोई लैगून है, कोई वाटर बॉडी और है, ठीक है, वो सब हमारे पास इसमें इंक्लूड है। जैसे हम बोल सकते हैं कि पॉन्ड फिशरी भाई, इसके साथ साथ हमें एस्चुरी आपने सुनी होगी, जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, एस्चुरी के नाम से बोलते हैं, ठीक है, एस्टुरीन फिशरी। तो ये टाइप्स है हमारे पास फिशरी के, ठीक है ना, ये टाइप्स है, मतलब जो किसकी है, इनलैंड फिशरी। तो यू नो कि अगर हम रिवर की बात करते हैं तो रनिंग वाटर वहां पर प्रेजेंट होता है, बाकी के जितने यहाँ पर भी रनिंग वाटर प्रेजेंट हो सकता है, रिजर्वायर में भी रनिंग वाटर हो सकता है, क्योंकि दो तरीके के रिजर्वायर हो सकते हैं भाई, एक तो हो सकता है मैनमेड, मैनमेड मोस्टली जो होता है रिवर के साथ बनाए जाते हैं और रिवर के बेस के ऊपर बनाए जाते हैं, तो मतलब जो डैम रिजर्वायर होते हैं वहां पर, तो वाटर वहां पर भी मूव करता है। तो ऐसे केस में जहां पर मूविंग कंडीशंस की हम बात करते हैं तो वहां पर केज फिशरी कर सकते हैं, केज फिशरी कर सकते हैं। अब केज फिशरी का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक एक पार्टिकुलर लोकेशन को फिक्स करके वहां पर हम मेटल के केज बना सकते हैं, और वो मेटल के केज जो होते हैं उस पार्टिकुलर फिशरी को फिक्स कर देते हैं।
अब पार्टिकुलर मतलब फिशरीज को वहां पर फिक्स कर दिया जाता है। उसके अलावा लेक फिशरी या पोंड फिशरी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, स्पेशली लेक बनाकर पोंड बनाकर, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग पोंड्स हैं भाई, अलग अलग फिशेज की एज के बेस के ऊपर, उसके डेवलपमेंट के बेस के ऊपर अलग अलग लेंथ के पोंड होते हैं, ठीक है ना। कुछ पोंड ऐसे होते हैं जो लेंथ के अकॉर्डिंग बहुत लंबे होते हैं भाई, ऐसे हाउस भी होते हैं जिसको हमें नॉर्मली ग्लोबल वार्मिंग बेस्ड जिसको हम बोलते हैं पॉली हाउस के नाम से बोलते हैं, इस तरीके से पोंड भी हैं, पॉली हाउस भी प्रेजेंट होते हैं जो उस पार्टिकुलर फिशरी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो हमारे पास ये 3 टाइप की फिशरी है। इसके अलावा अगर हम फिशरी की बात करते हैं इनलैंड फिशरी की, तो इसमें हमारे पास एक तो नॉर्मली इंटीग्रेटेड फिशरी भी प्रेजेंट होती है, या भाई इसके अंदर हमारे पास कंपोजिट फिश कल्चर है, सिंपल फिशरीज। दूसरा हमारे पास क्या है भाई, कंपोजिट फिश कल्चर, ठीक है ना। दूसरा क्या है हमारे पास, कंपोजिट फिश कल्चर है। तो कंपोजिट फिश कल्चर जो है उसके बारे में हम आपको बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से पेपर का एक क्वेश्चन बनता है जो बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। अब सिंपल फिशरी की अगर हम बात करते हैं तो ये जितनी भी टाइप हमने फिशरी की बताई है भाई, ये सिंपल टाइप है। लेकिन कंपोजिट फिश कल्चर का मतलब क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय द कंपोजिट फिश कल्चर। अब कंपोजिट फिश कल्चर का मतलब हम आपको बताते हैं, कंपोजिट फिश कल्चर, देखिए कंपोजिट फिश कल्चर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, द कल्टीवेशन मैनेजमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मोर देन 2 टाइप्स ऑफ फिशेज इन ए सिंगल पॉन्ड, और आप बोल सकते हो वाटर बॉडी। किसी भी वाटर बॉडी के अंदर एक साथ 2 से ज्यादा टाइप की अगर फिशेज को हमें कल्टीवेट करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं, उसकी एक्सप्लोइटेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट फिश कल्चर। अब कंपोजिट फिश कल्चर में यहां पर हमारे पास कैसे, हम कैसे समझा सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है, कोई भी वाटर बॉडी हमारे पास जो प्रेजेंट है, देखिए ये एक वाटर बॉडी है, मैंने कहा एक सिंगल वाटर बॉडी में 2 से ज्यादा टाइप की फिशेज को हम ग्रो करवाते हैं, कल्टीवेट कराते हैं। सिंपली अगर हम बात करते हैं किसकी, कंपोजिट फिश कल्चर की, तो कंपोजिट फिश कल्चर के अंदर हम 6 टाइप की फिशरी करवा सकते हैं, 6 टाइप की फिशेज को हम ग्रो करवा सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल है भाई, देखिए कोई भी वाटर बॉडी जो हमारे पास प्रेजेंट है, उस वाटर बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द आउटर पार्ट, है ना, ये मिडल पार्ट है भाई, ये क्या है मिडल पार्ट, और ये लोअर पार्ट है, ठीक है, यानी ये सरफेस, ये बिल्कुल डीप पार्ट, ठीक है ना। इस तरीके से 3 रीजन हमारे पास प्रेजेंट है। अब इस रीजन के अंदर हम 2 टाइप की फिशेज का यूज कर सकते हैं, 2 टाइप की फिशेज में कौन सी फिशेज का भाई, भाई एक तो फिशेज हमारे पास हो सकती है यहां पर, ठीक है ना, जिसको हम कार्निवोरस बोल सकते हैं, जिसको क्या बोल सकते हैं, कार्निवोर, है ना। एक हमारे पास इसी बेस के ऊपर क्या चीज प्रेजेंट हो सकती है भाई, यहां पर हर्बीवोर्स हो सकती है, कैसी हो सकती है भाई, हर्बीवोर्स, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि एक पार्टिकुलर रीजन के अंदर हम 2 टाइप की फिशरी करवा रहे हैं, यहां पर भी ऐसा ही पॉसिबल है हमारे पास, इस रीजन में भी वही पॉसिबल रीजन है, इसके केस में हमारे पास यहां 2 टाइप की फिशरी हो सकती है, तो हर किसी केस में हमारे पास अलग अलग टाइप की फिशरी हो सकती है, हर किसी केस में हमारे पास अलग अलग टाइप की फिशरी हो सकती है। तो इस टाइप से हम इस टाइप को किसके नाम से बोलते हैं भाई, कंपोजिट फिश कल्चर। यानी देखिए 2 टाइप हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है, 2 टाइप हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है, 2 टाइप हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है,
अब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कंपोजिट फिश कल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, नंबर वन पॉइंट, फिशेज की जो हैबिटेट है उसके बेस के ऊपर, कुछ ऐसी फिशेज हैं जो सरफेस फीडर होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो मिडल फीडर होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इनर फीडर होती हैं, मतलब लोअर रीजन में रहने वाली होती हैं। फिर उसके साथ में उनकी फीडिंग हैबिटेट पे भी हम कर सकते हैं, भाई कोई कार्निवोर्स होती है, कोई ओमनीवोर्स होती है, कोई ओमनी मतलब एक ओमनीवोर्स है, कोई कार्निवोर्स है, कोई हर्बीवोर्स है, तो अलग अलग बेस के ऊपर हम कंपोजिट फिश कल्चर करवा सकते हैं। देखिए हमारे पास अलग अलग टाइप की फिशेज हैं, जिसमें सरफेस फीडर की अगर हम बात करते हैं जो फाइटोप्लैंकटन्स को यूज करती है, मैं उनके एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहले जो सबसे टॉप से हम एग्जांपल देते हैं, हमारे पास है सबसे पहले सरफेस पे रहने वाले जिसमें सिल्वर कार्प है, भाई यहां पर हम किसको, सिल्वर कार्प को इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन में हमारे पास जो जू प्लैंकटन्स को सरफेस फीडर ही है, जिसमें कटला, ठीक है ना, कैटला ये फिश की स्पीसीज है भाई, ठीक है ना, दूसरे रीजन में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है मिडिल जोन के केस में अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास अलग अलग टाइप की हैं, जैसे भाई यहां पर रोहू है, यहां पर क्या है भाई, कॉमन कार्प है, ठीक है ना, ग्रास कार्प बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोल सकते हो, ग्रास कार्प, ये ग्रास कार्प, ठीक है ना, ये टाइप है। अगर हम सबसे लोअर रीजन की बात करते हैं, तो सबसे लोअर रीजन में भी है, जैसे हमारे पास सॉरी ये कॉमन कार्प की जगह पर आप ग्रास कार्प लिखिए, ग्रास कार्प, ठीक है। अगर हम यहां बात करते हैं, तो जैसे द मृगला, ठीक है ना, मृगल, इसको हम किसके नाम से बोल सकते हैं, मृगल के नाम से बोल सकते हैं, तो मृगल के नाम से बोल सकते हैं, भाई मृगल इसमें इंक्लूड है, और इसमें क्या है, द कॉमन कार्प, ठीक है। तो फिश कंपोजिट फिश कल्चर जो होता है भाई, इस कंपोजिट फिश कल्चर के केस में हमने आपको बताया कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक साथ बॉडी के एक वाटर बॉडी के अंदर हम कई टाइप की फिशेज को ग्रो करवा सकते हैं। सबसे अपर रीजन में हमने सिल्वर कार्प, देन कटला, फिर लेबियोरोइटा, ग्रास कार्प, द मिर्गल एंड देन कॉमन कार्प, इस तरीके से हमने एग्जाम्पल भी दिए हैं अलग अलग रीजन के बेस के ऊपर। अब देखिए मतलब जो पोंड फिशरी की बात अगर हम करें, तो भाई पोंड फिशरी के अंदर हमें टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी में हम किसका यूज करते हैं भाई, सुपर ओवुलेशन का। ये टेक्निक मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो हॉर्मोन्स होता है FSH उसको इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्टेड इन ब्रेन, ठीक है ना, उसको ब्रेन में डाल दिया जाता है, ठीक है ना, या ब्रेन से वो सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इसको ब्लड में एंटर कर दिया जाता है, ब्लड में डाल सकते हैं, तो ये कहां जाता है, गोनेट्स में, और गोनेट्स में क्या होता है भाई, फॉलिकल्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, तो वो नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी फिशेज के अमाउंट नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास इस चीज को हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, दैट इज आल्सो कॉल्ड द सुपर ओवुलेशन टेक्निक, इसको सुपर ओवुलेशन टेक्निक के नाम से बोलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास फिश प्रोडक्शन का टॉपिक कंप्लीट, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे, जिसमें हमारे पास हनी प्रोडक्शन की बात हम करेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।